एक घंटा में आराम से 20 से 25 किलोमीटर चल सकते हैं, तो ये कितना कमाल का चीज है आप देख सकते हैं। सिक्स सीटर एकदम धनधनाती हुई कार से चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सीट है, 6 लोग बैठ सकते हैं। तो मेरा प्लान है जो ये बीच के खाली पार्ट्स हैं, इनको डब्बे जैसा बनाया जाए और उसको यूज में लिया जाए सामान लगेज वगैरह रखने के लिए। 5 घंटे में चार्ज कीजिए, लगभग 150 किलोमीटर दूर चलाइए, पॉल्यूशन फ्री, पेट्रोल का पैसा बचेगा, ऊबड़ खाबड़ रोड में चलेगा। 6 सीट जो है 6 किस्म का है, क्योंकि इन्होंने कबाड़ से उठा उठा कर ये अद्भुत आविष्कार किया है। तो अभी मैं एक ऐसे साइकिल पे बैठा हूँ, या कहिए कि कार पे बैठा हूँ, जिस कार को एक यूपी के लाल ने बनाया है, जो एक छोटे से गांव में रहता है। उस गांव में जो है अभी तक रोड नहीं बना है, उस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक गांव के लाल ने एक ऐसा अद्भुत कमाल किया है, एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है, जिसको देखने के लिए अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। यहाँ तक कि आनंद महिंद्रा ने भी इस साइकिल को लेकर ट्वीट किया है। रुक जाइए जरा, इसके जो बनाने वाले आविष्कारक है उनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने सोचा कैसे, आज पबजी के जमाने में, गेम के जमाने में इतना अच्छा इनोवेशन कैसे कर दिया। सबसे पहले भोकाल टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अब्दुल्ला है और मैं आजमगढ़ के लोहरा का रहने वाला। अच्छा, असद अब्दुल्ला नाम है। तो ये बताइए कि ये क्या है असद जी? ये 6 सीट वाली इलेक्ट्रिक साइकिल है, या बाइक भी बोल सकते हैं इसको। इस पे 6 लोग एक साथ इजीली आ जा सकते हैं कहीं भी। चार्ज से चलता है? जी बिल्कुल, ये 2 यूनिट में चार्ज होता है और एक बार चार्ज होने पर करीब 150 किलोमीटर की दूरी तक। अच्छा, एक बार चार्ज करने के बाद 150 किलोमीटर चलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपने आप में अद्भुत है, ये कैसे सोचा आपने? जी ये जो दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, गाँव के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, तो यही सोच के मैंने बनाया। और 2 सीट वाली 3 सीट वाली हर जगह अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिक में जो है ई रिक्शा अवेलेबल होता है, जो कि 6 लोग उस पर जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उस 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है, तो कॉस्ट कम रखने के लिए ही मैंने इसको बनाया। इसका क्या कॉस्ट रखे हैं आप? अभी जो है मैंने इसको कबाड़ से टोटल लेके बनाया 10 से 12 हज़ार रुपये में, और अगर नया बनाते हैं तो 35 से 30, 35, 40। अच्छा, कबाड़ से लेके 10 से 12 हज़ार में बनाया जी टोटल? अगर इसको अच्छे से बना के एकदम, जैसे ये तो आपने सैंपल बनाया है, अगर इसको बेचना हो तो कितना लागत? 35 से 40 हज़ार आ जाएगी। 35-40 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी लगेगा क्या? कोई नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, और इसमें कुछ है ही नहीं मेंटेनेंस के लिए, ब्रेक शू आग। कितना समय लगा इसको बनाने में आपको? 1 महीने का टाइम लगा। कहीं से पढ़े हैं या कहीं से सीख क्या है? नहीं, पढ़ने को पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई से और मेरे काम का कोई लेना देना नहीं। बैठिए। अच्छा, पढ़ाई से कोई काम का लेना? मैंने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद ITI किया इलेक्ट्रिक से। हाँ। और उसके बाद मैंने BCA अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। आजमगढ़ के लोहरा गांव के एक लड़के ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसपे 6 लोग बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कितने प्यार से बैठे हुए हैं, और जब ऐसे बैठिएगा ना तो आपको इतना अपनापन लगेगा, आपकी अगर दोस्ती टूटी हुई होगी तो आपकी दोस्ती जो है मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एकदम ये जब होता है कि छुक 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 रेल चली है, वो वाला आपको फीलिंग आएगा, क्योंकि हम लोग छुक 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 गाड़ी खेलते थे, छुक 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 रेल खेलते हैं, वो वाला हो गया। तो असद जी ये बताइए कि यार इसको चलाने के लिए सीखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कोई सीखने की जरूरत नहीं, आप खुद अभी चला के देख सकते हैं, और जैसे साइकिल या स्कूटी चलाई जाती है सेम वैसे ही है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन यार ये अपने आप में कमाल है, आज लोग पबजी खेल के समय बिता देते हैं, सब्जी बना के समय बिता देते हैं, लड़की से बतिया के समय बिता देते हैं, लेकिन आप आविष्कार कर दिए, बताइए। हमको लगता है 12-14 साल आपका उम्र रहा होगा। हाँ नहीं, देखिए मैं बचपन से इलेक्ट्रॉनिक में शौक रखता हूँ, बचपन से चीज़ें करते आ रहा हूँ, और मैंने जो है मेन बड़े काम जो है 5 साल पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल है होममेड क्रिएटिव नाम से, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, सपोर्ट करिए। कि इन्होंने इतना अच्छा आविष्कार किया है, ये पोल्यूशन फ्री है, पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं, मतलब एक बार चार्ज कीजिए, चार्ज कितने समय में हो जाता है सर जी? 5 घंटे में। 5 घंटे में चार्ज कीजिए, लगभग 150 किलोमीटर दूर चलाइए, ये अपने आप में कमाल है, ये अपने आप में अद्भुत आविष्कार है, कि इन्होंने गजब का इनोवेशन किया है यार, मतलब कमाल है। थोड़ा सा चला के देख सकते हैं? बिल्कुल। कैसे चला सकते हैं बताइएगा सर? एक्सेलरेटर है और ये ब्रेक। अच्छा, ये वाला एक्सेलरेटर है? नहीं, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, जैसे अथी में होता है स्कूटर में। जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा हम चला के देखते हैं जी। तो असद जी हमको चलाने के लिए दिए हैं, और बाबू माइक पकड़ना। तो ऐसे तो अभी मैं एक ऐसे साइकिल पे बैठा हूँ जिसका जो है आविष्कार एक गाँव के होनहार लड़के ने किया है, जहाँ पर कोई विकास नहीं पहुँचा है, और इस साइकिल पर जैसा कि बता रहे इलेक्ट्रिक साइकिल है, 6 लोग बैठ सकते हैं, और एक
एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलता है और कुछ नहीं है, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे इस कार को चला सकते हैं। कार में 6 लोग बैठता है, ज्यादा से ज्यादा 7 लोग बैठता है, तो हम कार क्यों लेंगे जब हमको 50-100 किलोमीटर जाना होगा, ऐसा साइकिल ले लेंगे, कोई खर्चा नहीं, आराम से एक बार चार्ज कीजिए और चलाते रहिए, हम भी चला के देखते हैं। वाह, अरे गजब अद्भुत, वाह यार कमाल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे बचपन के दिन याद आ गए, पुराने दिन याद आ गए और मैं एकदम चलता जा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। देखिए गांव में इतनी प्रतिभाएं हैं ना, इतने टैलेंटेड लोग बसते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए, उनके गांव के बच्चों को ना थोड़ी सी सहायता राशि मिल जाए, थोड़ा सा अगर उनको इक्विपमेंट्स मिल जाए तो ये लोग दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ आविष्कार कर सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। थोड़ा सा दूर से लीजिएगा, थोड़ा देखिए बहुत अच्छा चल रहा है और इसे चल के आराम से जो है 1 घंटा में आराम से 20 से 25 किलोमीटर चल सकते हैं, तो ये कितना कमाल का चीज़ है आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं, हाँ तो अभी बैठे रहिए आप लोग 6 लोग, हाँ तो थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस कम है इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जैसा कि जो इसके आविष्कारक है जिन्होंने इसको बनाया, उनका कहना है कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, 150 किलोमीटर चलती है, तो अगर बढ़िया शिक्षा मिले गांव में, अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए हमारे देश में, तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग जो है अभी तो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाए हैं, एरोप्लेन बना देगा, चांद पर चल जाएगा, सूरज पर चल जाएगा गाँव का बचवा लोग। और ये अच्छा लगता है कि गाँव का बच्चा लोग है इतना गजब का आविष्कार किया है, इतना कमाल का आविष्कार किया है, पोल्यूशन फ्री, पेट्रोल का पैसा बचेगा, ऊपर खबर रोड में चलेगा और ये ऐसे धनधनाती हुई रोड में चलेगा। ऊपर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे जो है हम लोग 6 सीटर एकदम धनधनाती हुई कार से चल रहे हैं। कार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार में तो 5 लोग बैठते हैं लेकिन इस इलेक्ट्रिक साइकिल में 6 लोग बैठते हैं। 100 यूनिट जहाँ पर बिजली फ्री है जिस राज्य में, उस 100 यूनिट से जो है आप महीनों दिन इसको चार्ज करके चला सकते हैं। तो ये अपने आप में कमाल है। हम लोग चलाए, बहुत अच्छा लगा, एक गाना है सुनते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, मतलब इसको देखने के बाद एकदम वो दिन याद आ गए, एकदम मज़ा आ गया देख के। बहुत सारे लोग हैं, आइए असद जी, चला के मज़ा आया, असद जी आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सीट है, 6 लोग बैठ सकते हैं जी, जी। ये क्या है असद जी? ये जो है लिथियम फास्फेट बैटरी है, लाइफ ए PO4 बोलते हैं इसको जी, 48 वोल्ट 30 AH की है जी। ये इसका दिमाग है, कंट्रोलर बोलते हैं इसको जी, जैसे हम लोग के पास जी दिमाग जी, है। जी यही पूरा मैनेज करता है कब क्या कैसे करना है जी। और वहाँ से वायर गई हुई है एक्सेलरेटर, वहाँ पे आपने जो चलाया जी, ये हमारी MCB है, ऑन ऑफ स्विच का भी यही काम करती है। अच्छा, यहाँ से ऑन ऑफ होता है जी। अभी मैंने चाबी वगैरह का सिस्टम नहीं लगाया क्योंकि ये प्रोटोटाइप था, एक्सपेरिमेंटल था। अच्छा, और चाबी रिमोट वाला सिस्टम कभी भी लगा सकते हैं। इसका फाइनल टच दीजिएगा तो उसमें चाबी भी सब लगा दीजिए, कोई लेके भागे नहीं। हाँ, एक्सेलरेटर, हॉर्न और इंडिकेटर हर चीज लग सकती है। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि मान के चलिए कि सब्जी लेने कोई गया या पिकनिक बनाने के लिए 6 दोस्त जा रहे हैं या कोई परिवार वाले इसी से बोलते हैं कि 25 किलोमीटर दूर पिकनिक बनाने चलना है, तो कहीं पे कुछ सामान उमान रखने, लगेज बैग टाइप अभी नहीं है लेकिन लोगों ने काफी कमेंट किया था वीडियो के नीचे जी। तो मेरा प्लान है जो ये बीच के खाली पार्ट्स हैं जी, इनको डब्बे जैसा बनाया जाए और उसको यूज में लिया जाए सामान लगेज वगैरह रखने के लिए। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये जो है जैसे इसको अभी आप बनाए हैं तो जैसे इसमें वेल्डिंग मुझे दिख रहा है और ये साइकिल का जो सीट कवर होता है, सीट होता है वैसा ही दिख रहा है। 6 सीट 6 किस्म की है क्योंकि कबाड़ से लेके बनाई, देखिए 6 सीट, देखिए 6 सीट जो है 6 किस्म का है क्योंकि इन्होंने कबाड़ से उठा उठा कर यह अद्भुत आविष्कार किया है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ भारत सरकार को कि जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं गांव में जो छोटा छोटा ये ऐसा इनोवेशन बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देने की जरूरत है। अगर उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा तो सोचिए कि आज एक छोटे से गाँव का लड़का इलेक्ट्रिक साइकिल बना दिया, इनके गाँव में अभी तक रोड नहीं बना है, अगर इनको सहायता मिलेगी, अगर इनको और अच्छे से शिक्षा मिलेगी तो आप समझिए कि ये लोग क्या बना देगा। हमको तो लगता है कि प्लेन बना देगा उड़ने वाला, ऐसी ऐसी चीजों को आविष्कार कर देगा गांव का बचवा लोग कि बड़ा बड़ा शहर का बचवा लोग नहीं सोच सकता है। ये कितना कमाल है आप समझ सकते हैं। आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है,
पेट्रोल भरवाने में जब बाइक लेके जाइएगा तो सोचिएगा कि यार 100 रुपया 30 रुपया का ले लेते हैं, लेकिन इसमें कोई पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, सीधे एक बार चार्ज कीजिए 5 घंटा और 150 किलोमीटर चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड इसका मैक्सिमम कितना है? इसकी स्पीड जो 35 से 40 है, क्योंकि जो नॉन रजिस्ट्रेशन स्कूटी होती है उसी के जो आगे के पार्ट्स हैं और पीछे के पार्ट्स हैं लगे हैं, तो उसमें भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और मैंने ये मोस्टली गाँव में चलने के लिए बनाई है तो मुझे नहीं लगता कि लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार जो भी कहेगी, कानून जो भी कहेगा, उस हिसाब से पालन किया जाएगा। जी, मतलब इसको प्रॉपर गांव के जो जो ग्रामीण वासी है उसके लिए बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली जो ग्रामीण वासी है उनको देखते हुए बनाया गया है कि एक कम बजट में बन जाए और 5-6 लोग आराम से सफर करे। कैसा लग रहा है ये? कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। चढ़े हैं इस पर? आपके गाँव का लड़का एकदम इतना कमाल का चीज बना दिया है, कैसा है? एक नंबर है ना। तो असद जी और कुछ कहना चाहिएगा? जी यही कहेंगे कि हमारे काम को सपोर्ट करिए और इसको जल्दी हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे कमर्शियली, और जो भी है इसका टेस्ट करके जो भी इसमें कमियां हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो लोगों का आइडियाज़ है, सजेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको इम्प्रूव करके लॉन्च करने का। जी, तो बहुत ही जल्दी इसका इस जो इलेक्ट्रिक साइकिल, इसको फाइनल टच दे के इसको लॉन्च किया जाएगा कमर्शियली तरीके से, ताकि मार्केट में मिल सके। इस पर ये लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। हम लोग रांची से आजमगढ़ आए हुए हैं स्पेशली इस साइकिल को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक साइकिल, और ये बहुत कमाल का चीज़ है, अद्भुत आविष्कार है। तो कैसा लगा रिपोर्ट, जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।